हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आईआईटी जेएम 2019 सेक्शन ए का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दिस फैमिली ऑफ कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को की स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, उससे रिलेटेड ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो इसके सोल्यूशन की हमें बात करनी है कि हम कैसे सोल्यूशन को हैंडल करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें। बिफोर वाट दिस माय वीडियोस, मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो आइए हम अब इसकी बात करते हैं सिंपल सा कि द एस बी द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, द फैमिली ऑफ कर्व दिस एंड सी बिलोंग्स टू एस, सी पॉसेस टू द सी। मतलब क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ओटी एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीज़ें हमें करनी है। तो आइए हम इससे पहले बात करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, दिस इज वन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, दैट इज अ कांस्टेंट के को इलिमिनेट कर देना है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज 4x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो, के इज द कांस्टेंट जीरो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन y। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी dy बाय dx रिप्लेस टू माइनस dx अपॉन dy, ये रिप्लेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कार्टेशियन फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का रिप्लेसमेंट होता है dy बाय dx माइनस dx अपॉन dy, तो दैट इज द रिप्लेसमेंट कर दीजिए। माइनस टू एक्स अपॉन वाई, दिस इज द अरेंजमेंट। अब देखिए, दिस इज द वाई, कैंसिल, माइनस कैंसिल, अरेंजमेंट कर देंगे तो 2 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग तो 2 लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स और प्लस लॉग ऑफ ए कर लेते हैं, तो दिस इज द वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 से पास हो रहा है तो 1, 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे पुट कर दीजिए, क्योंकि विच इज पासेस थ्रू 1, 2, सो नाउ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 1, सो ए इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4x, सो विच इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी। अब मेन इंपॉर्टेंट कह रहा है कि कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल सा पुट करके चेक करते चले जाइए। पहला, अगर हम पुट अप करते हैं वाई, दिस इज द एक्स और वाई, देखिए तो जैसे आप पुट अप करोगे वाई स्क्वायर तो हमें 2 मिलेगा, बट 2 मिलने के लिए बट यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये पॉइंट अपने आप खत्म हो, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 16। दूसरे की बात कर लें 4, तो 4 जा 16, सॉरी दिस इज द एक्स और वाई, तो वाई स्क्वायर मतलब 16 और 4 इज इक्वल टू 8, इज नॉट पॉसिबल। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में हमारा एक्स और वाई है, वाई स्क्वायर मतलब 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, ये पॉइंट है, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, ये करेक्ट हो गया। और दूसरा, अभी आगे की ज़रूरत ही नहीं बट चेक कर लेते हैं, दिस इज द एक्स और वाई 8 और यहाँ पे हो जाएगा 16, सो नॉट इक्वल टू 0, तो सभी का कनेक्शन इससे ही है,
चेक करना, सिर्फ पॉइंट को चेकआउट कर लीजिए और रिजल्ट हमें अपने आप मिल जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इज अ पॉइंट। तो पॉइंट चूंकि ये 2√2 इज अ प्रोसेस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सिंपल सी बात है कि अगर इक्वेशन ये पास कर रहा है इस पॉइंट से तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। समझ में आएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्कआउट। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।